हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज का टॉपिक है बेसिक फंक्शंस ऑफ विजुअल सिस्टम, और इसमें एक्विटी, डार्क अडैप्टेशन और आई मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक्विटी के बारे में पढ़ते हैं। एक्विटी का मतलब होता है स्टैटिक, एक बेसिक फंक्शन है हमारी आई का, जो विजुअल एबिलिटी टू सी फाइन डिटेल्स, मतलब हमें जो फाइन डिटेल्स नज़र आती है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो हमें उसके अंदर की छोटी छोटी बारीकी डिटेल्स नज़र आती हैं, उसको हम एक्विटी बोलते हैं। तो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विजन, तो ये एक्विटी जो है एबिलिटी टू रिजॉल्व फाइन डिटेल्स है, और इसकी दो टाइप्स हैं। एक है स्टैटिक विजुअल एक्विटी, जैसे कि SVA जिसको शॉर्ट में बोल सकते हो, और दूसरी है डायनामिक विजुअल एक्विटी। स्टैटिक विजुअल एक्विटी SVA इज आवर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर स्टेशनरी और स्टैटिक। जब कोई चीज़ एक जगह रुकी हुई है, मतलब वो हिल नहीं रही है, स्टेशनरी है, तब उसको हम देख सकते हैं ध्यान से, डिटेल उसकी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं रूम में, आप अलग अलग चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो ना, कि वो कुछ और है, वो कुछ और है, और उसकी डिटेल्स देख सकते हो। तो वो तो हमारी होती है स्टैटिक विजुअल एक्विटी, मतलब जब रुकी हुई चीज़ों को हम डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है, मोशन में है, जैसे कोई गाड़ी जा रही है चल के सामने से, और आप उसको ध्यान से देख रहे हो और आप उसको देख के बता सकते हो कि वो कौन सी गाड़ी है, वो कौन से कलर की है, तो वो हो जाती है डायनामिक विजुअल एक्विटी DVA, और एबिलिटी टू रिजॉल्व डिटेल व्हेन द टेस्ट ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो और द व्यूअर इज इन मोशन, या फिर आप खुद चल रहे हो। इसमें ये भी है कि हो सकता है आप खुद चल रहे हो और सामने वाली चीज़ रुकी हुई है, तो आप चलते चलते भी तो चीज़ों को आप नोट कर लेते हो ना। कोई चीज़ दीवार पर लिखी है, आप चलते चलते उसको पढ़ लेते हो, तो वो आपकी DVA डायनामिक विजुअल एक्विटी है। इन जनरल एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट ऑब्जेक्ट्स डिक्रीजेज एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। अब हम कोई भी चीज़ को कितने ध्यान से देख पा रहे हैं, और ये जो हमारी एक्विटी, जो एबिलिटी है एक्विटी, ये धीरे धीरे कम हो जाती है जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की जिसको आप देख रहे हो वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर कोई चीज़ धीरे चल रही है तो आप उसको फिर भी ध्यान से देख सकते हो, लेकिन अगर बहुत ही फास्ट कोई चीज़ जा रही है तो आपकी एक्विटी जो है वो कम हो जाती है। तो उसको यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या एग्जैक्टली, जितने स्पीड पे उसकी इमेज आपके रेटिना पे निकल के गई है, तो उसको हो गया, उसको इन्होंने बोल दिया एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ आपके सामने से, कोई गाड़ी बहुत ही फास्ट निकली है तो आप उसकी डिटेल नहीं देख पाए, लेकिन अगर वो थोड़ी स्लो है तो आप देख लेते हो। तो इसका यही कहने का मतलब है कि हमारा जो DVA है वो एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतना हमारा एबिलिटी कम हो जाता है। द एस्पेक्ट ऑफ आवर विजुअल कैपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, बेसबॉल प्लेयर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ सिजलिंग फास्ट बॉल आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई ऑन हिज, अब जैसे इन्होंने एक प्लेयर का एग्जाम्पल दिया है कि कोई प्लेयर है, अगर वो बॉल बहुत फास्ट होगी तो वो उसको नहीं कैच कर पाएगा, अगर वो बॉल स्लो होगी तो उसको कर लेगा, तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर है, इफ यू वेयर आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज डिजाइन टू इम्प्रूव योर विजुअल एक्विटी, चांसेज आर दैट योर विजुअल डेफिशिट स्टेम्स फ्रॉम स्लाइट, अगर सपोज आपको चश्मा लगा है या फिर आप लेंस पहनते हो आपकी एक्विटी इम्प्रूव करने के लिए। हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही, हमें ब्लर नज़र आ रही है, हमारी आंखें खराब हो जाती तो हमें चीज़ें क्लियर दिखती नहीं है, तो उसके लिए आप चश्मा पहनते हो, आई ग्लासेस पहनते हो या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हो। तो वो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उससे आपकी आई बॉल की जो शेप है ना, शेप ऑफ योर आई, उसमें स्लाइटली एबनॉर्मैलिटी है। अब इसमें क्या होता है, या तो आपको दूर का क्लियर नज़र नहीं आता है, या फिर आपको बहुत पास का क्लियर नज़र नहीं आता, दो तरह की चीज़ें होती हैं। तो नियर साइटेडनेस का मतलब है आपको पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। फार साइटेडनेस का मतलब है आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखती है, पास की नहीं दिखती। तो नियर साइटेडनेस में बोला हुआ है कि अगर आपकी आई बॉल बहुत लंबी है, इफ़ योर आई बॉल इज़ टू लॉन्ग, तो आपको पास की चीज़ें दिखती हैं क्लियर, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना दूर रखे हुए, वो आपको ब्लर दिखते हैं। और
ये क्यों होता है इसका रीज़न भी आपको याद रखना ज़रूरी है कि जो इमेज आपके आई में एंटर कर रही है ना, उसका फोकस आपके रेटिना के पहले ही बन जाता है। रेटिना पे फोकस ना हो के पहले उससे खत्म हो जाता है फोकस, इसलिए आपको पास की चीजें तो क्लियर दिखती लेकिन दूर की नहीं दिखती। अब ऐसे ही फार साइटेडनेस में क्या होता है, आपका आई बॉल बहुत शॉर्ट है, छोटा है, और आपको दूर की चीजें क्लियर दिख रही है, लेकिन जो पास रखी हुई चीजें, जब बुक पढ़ते हो आप पास में, तो वो आपको दिखती नहीं है क्लियरली। तो उसमें क्या है, जो फोकस हो रहा है इमेज का रेटिना के पीछे बन रहा है। तो ये दोनों एबनॉर्मेलिटी होती हैं जब हमारी जो एक्विटी वाली एबिलिटी है वो ठीक से काम नहीं करती। उसके बाद आता है डार्क अडेप्टेशन। डार्क अडेप्टेशन का मतलब है आप अंधेरे में कितना अच्छा देख सकते हो। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ विजुअल सेंसिटिविटी इज डार्क अडेप्टेशन, द इंक्रीज इन सेंसिटिविटी दैट अकर्स व्हेन वी मूव फ्रॉम ब्राइट लाइट टू आ डिम लाइट। तो जब हम, जैसे मूवी थिएटर में होता है कि एक ब्राइट लाइट से हम डिम लाइट में जाते हैं, तो हमारी आंखें कैसे एडजस्ट करती हैं। इसमें लिखा हुआ है द डार्क अडेप्टेड आई इज अबाउट 100,000 times मोर सेंसिटिव टू लाइट देन अ लाइट अडेप्टेड आई। जैसे हमारी आंखें अडेप्ट कर जाती है ना डार्कनेस को, जैसे हमें धीरे धीरे अंधेरे में नजर आना शुरू होने लगता है, तो हमारी आंखें अडेप्ट कर जाती हैं, तो हमारी आईज और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है लाइट से। तो अंधेरे से जब आप बाहर आते हो तो हमें लाइट बहुत तेज लगती है आंखों में, क्योंकि हमारी आंखों की सेंसिटिविटी इतनी बढ़ चुकी होती है। ठीक है, एक्चुअली डार्क अडेप्टेशन अकर्स इन 2 स्टेप। अब ये 2 स्टेप्स में होती है डार्क अडेप्टेशन। विद इन 5 to 10 minutes द कोन्स रीच देयर मैक्सिमम सेंसिटिविटी। स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट होते हैं ना, उसमें कोन्स जो है ना वो एकदम से अडेप्ट होना शुरू कर जाते हैं, लेकिन जो हमें क्लियर नजर आना शुरू होता है अंधेरे में, वो तब होता है जब रॉड्स अडेप्ट करते हैं। एंड आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स रॉड्स बिगिन टू अडेप्ट एंड दे कंप्लीट दिस प्रोसेस इन अबाउट 30 मिनट्स। तो पहले 5 या 10 मिनट तक तो कोन्स अपनी सेंसिटिविटी चेंज करते हैं, लेकिन हमें उतना क्लियर तब नहीं दिख रहा होता क्योंकि अंधेरे में तो रॉड्स काम करते हैं अच्छा। तो बाद में 10 मिनट बाद जब रॉड्स अपना अडेप्ट होना शुरू होते हैं, तब हमें दिखना शुरू होता है, जो प्रोसेस 30 मिनट्स लगाता है कंप्लीट होने में। इनके कहने का मतलब ये है कि पूरे 30 मिनट्स के बाद आपको अंधेरे में एक एक चीज क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया डार्क अडेप्टेशन, एक्विटी और डार्क अडेप्टेशन के बाद। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है वो है आई मूवमेंट। तो आई मूवमेंट क्या है, आई मूवमेंट ऑल्सो प्ले अ रोल इन विजुअल एक्टिविटी एक्विटी। अब हमें ध्यान से देखने में आई मूवमेंट भी बहुत हेल्प करती है टू अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी टू मूव योर आईज। जस्ट इमेजिन हाउ इनएफिशिएंट इट वुड बी टू रीड अ बुक और प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट इफ योर आईज वर स्टक इन वन पोजिशन। तो आप सबको पता है कि हमारी आईज मूव करती हैं, तो वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, क्योंकि अगर आईज मूव नहीं करेंगी तो आप ना तो कोई चीज़ पढ़ पाओगे, ना आप खेल पाओगे, आप एक ही जगह देखते रहोगे, आप कोई गेम खेल रहे हो, आपकी आईज ही मूव नहीं कर रही हैं, तो आपको कैसे लगेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी आई मूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे विजन एक्विटी में। और आई मूवमेंट यहाँ पे 2 तरह की इन्होंने बताई है, एक है वर्जन मूवमेंट्स और एक है वर्जेंस मूवमेंट्स। वर्जन मूवमेंट का सिंपली ये मतलब है जब दोनों आंखें एक ही डायरेक्शन में देख रही हैं, आप दोनों आंखों से एक ही जगह पे देख रहे हो, लेफ्ट देख रहे हो, दोनों आई से राइट देख रहे हो। वर्जेंस मूवमेंट है जब दोनों आंखें एक दूसरे में कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। कन्वर्ज कर रही है मतलब अगर कोई चीज़ बहुत पास रखी है आपकी चेहरे के, तो आपकी दोनों आंखें थोड़ी सी एंगुलर पोजिशन में हो जाती हैं उस चीज़ को देखने के लिए, तो वो आईज दोनों कन्वर्ज कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी आईज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही हैं, तो उसको हम वर्जेंस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो अब वर्जेंस मूवमेंट्स आर क्रूशियल फॉर एबिलिटी टू परसीव डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो वर्जेंस मूवमेंट होती है ये कैसे होती है, और इससे हमें डिस्टेंस और डेप्थ देखने में हेल्प मिलती है कि कोई चीज़ कितनी दूर है और कितनी गहराई में है। तो इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे।
अभी हम वर्जन मूवमेंट में आते हैं, पहली वाली। वर्जन मूवमेंट में दो तीन टाइप्स की मूवमेंट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनना। पहली है इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट क्या होती है, जैसे सपोज इनवॉलंटरी का क्या मतलब है कि आप खुद नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आईज मूव कर रही हैं, वो होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी एक वर्ड पे यहाँ पे फोकस करो, वर्ड या फिर एक एंड ऑफ द स्टॉप लास्ट वर्ड, हाँ वर्ड पे, सपोज ये सेकंड लिखा हुआ है ना, इस पे फोकस करो लगातार कुछ देर तक। जब आप उस पे लगातार फोकस कर रहे होगे तो आपको आंखें नहीं हिलानी है लेकिन फिर भी आपको ये फील हो रहा होगा कि अंदर ही अंदर आपकी आई में मूवमेंट हो रही है थोड़ी थोड़ी, और बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है, छोटी छोटी मूवमेंट हो रही है। तो ये जो मूवमेंट है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने अपनी आई बॉल्स को कंट्रोल कर लिया लेकिन अंदर फिर भी जो मूवमेंट चल रही है, जो आपको फील हो रही है, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट। और ये इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो आपके कंट्रोल के बाहर है। और ये क्यों होती है लगातार, क्योंकि दीज मूवमेंट्स एंश्योर दैट स्टिमुलाई रीचिंग आवर रॉड्स एंड कोन्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो ये मूवमेंट्स इसलिए होती हैं ताकि जो स्टिमुलाई हमारे रॉड्स एंड कोन्स के पास पहुंच रहा है वो चेंज होता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज वो चेंज नहीं होगा, और हमने अभी ऊपर आपको याद हो तो सेंसरी अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर स्टिमुलाई चेंज नहीं होता तो थोड़ी देर बाद हमें वो चीज़ सेंस होनी बंद हो जाती है क्योंकि हमारी सेंसेस अडेप्ट कर जाती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर स्टिमुलाई चेंज नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद हमें दिखना बंद हो जाएगा वो चीज़। तो ताकि हमें ब्लाइंडनेस ना हो इसलिए ये मूवमेंट्स हमारी आंखों में चलती रहती है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ये सिस्टम डला हुआ है कि हमारी आंखें एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जिसमें हम नहीं चाहते कि वो किसी चीज़ से अडाप्ट कर जाए, कि कुछ टाइम बाद हमें कोई चीज़ ऐसी है जो कभी बदल नहीं रही और कुछ टाइम बाद वो हमें दिखनी बंद हो जाए अडाप्टेशन की वजह से, इसलिए इसके अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट चलती ही रहती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लाइक अवर सेंसरी रिसेप्टर्स दोज इन अवर रेटिना आर सब्जेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ सेंसरी अडेप्टेशन, इफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स डिड नॉट अकर वी वुड एक्सपीरियंस टेम्परेरी ब्लाइंडनेस वेन एवर वी फिक्स्ड आर गेज ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स। अब अगर आप लगातार कोई चीज को देखोगे और अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं होंगी तो थोड़ी देर बाद उस चीज़ को आप जिसको लगातार देख रहे हो वो आपको दिखनी बंद हो जाएगी, जब तक आप अपनी आंखें हिलाओगे नहीं। तो ताकि ये ब्लाइंडनेस ना हो बीच में कोई चीज़ देखने से, ये हमारी आंखों के अंदर मूवमेंट चलती रहती है, ठीक है। तो ये सेंसरी अडेप्टेशन को रोकने के लिए है। दूसरी आती है सिकैडिक मूवमेंट्स। सिकैडिक मूवमेंट का मतलब है जब हमारी आंखें, जो हमारा विजन है वो जंप करता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे। Frequently jumps by the eyes from one fixation point to the next. Saccadic movements are apparent in reading or driving. जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपकी विजन एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जा रही है ना जंप करके, और आप फिर भी ब्लर नहीं हो रहा है, तो वो saccadic movement हो गई। जब आप ड्राइव करते हो तो saccadic movement काम आती है। Both the size of the jumps and the region seen during each fixation maximize the information gleaned while reading. तो कितना साइज है जंप करने का, दूर है, पास है, कितना बड़ा रीजन है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन हमें एक बार में मिलती है, ठीक है। द सिकैडिक मूवमेंट्स ऑफ गुड रीडर्स मूव स्मूथली अक्रॉस द मटेरियल बीइंग रेड, दोज ऑफ पुअर रीडर्स आर शॉर्टर एंड मूव बैकवर्ड्स। तो अगर कोई पढ़ने में गुड रीडर होगा, जिसको पढ़ने की आदत होगी, रीडिंग करने की आदत होगी, उसकी आंखों की सिकैडिक मूवमेंट बहुत स्मूथली चलेगी। लेकिन अगर कोई पुअर रीडर है जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसकी सिकैडिक मूवमेंट छोटी होंगी और बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती रहेगी, ठीक है। और लास्ट में है परसूट मूवमेंट्स, तीसरी वाली परसूट मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो तो उसको जो आपकी जो फॉलो करती है आपकी आईज, उसको हम परसूट मूवमेंट कहते हैं। सो दीज आर स्मूथ मूवमेंट्स यूज टू ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप प्लेन को देख रहे हो सामने से जाते हुए, और व्हेन यू वॉच अ प्लेन फ्लाई ओवर हेड एंड आउट ऑफ साइट, या ट्रेन को देख रहे हो जाते हुए, तो वो परसूट मूवमेंट हो गए। तो
तो ये तीन चीज़ें जो थी ये हमारी फंक्शंस थे, विजुअल सिस्टम के बेसिक फंक्शंस थे, एक्विटी, डार्क अडेप्टेशन एंड आई मूवमेंट। इम्पॉर्टेंट था ये टॉपिक ये वाला, तो इसको आप ध्यान से समझ लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कलर विजन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।